हेलो दोस्तों, रैंडम वर्ड्स में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं मारुति सुजुकी ऑल्टो 800 का जो डिजिटल कंसोल है, जो डिजिटल मीटर है। एक तो एनालॉग मीटर है जहाँ पे आपको ये स्पीड जो है ये स्पीड नजर आएगा। अभी हम ये डिजिटल कंसोल या डिजिटल मीटर के बारे में देखेंगे। फिलहाल दोस्तों क्या नजर आ रहा है, तो हमें नजर आ रहा है हमारा फ्यूल लेवल और क्या नजर आ रहा है दोस्तों, और हमें नजर आ रहा है ये गाड़ी कितनी किलोमीटर अभी तक फिलहाल चल चुकी है। तो ये चल चुकी है 5855 किलोमीटर। अभी यहाँ पे मैं आपको बाद में थोड़ा दिखाऊंगा अगली वीडियो में या कहीं भी या इसी वीडियो में आगे चल के मैं आपको दिखा दूंगा। इसे एडजस्ट करने के लिए एक बटन या स्विच है बगल में। अगर हम उस स्विच को एक बार दबाते हैं दोस्तों, तो ये आ गया हमारा ट्रिप मीटर। मारुति सुजुकी में ऑल्टो में क्या है, ऑल्टो 800 में, कि आप अपने ट्रिप को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी मान ले कि आप मुझे कल सुबह जो है कहीं घूमने जाना है और मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरी गाड़ी कितनी किलोमीटर चली है, तो मैं यहां पे क्या होगा कि जो गाड़ी जितनी किलोमीटर चलेगी वो यहां पे शो करेगा। यहां पे हमें दो ट्रिप मीटर मिलता है दोस्तों। अगर हम ये बटन को फिर से दबाएंगे तो हमें ये बी ट्रिप मीटर, ए था पहले वाला, ये ट्रिप मीटर बी है। अगर हम फिर से दबाते हैं दोस्तों, तो ये हमारा फ्यूल कंडीशन तो शो करता रहता है, अभी यहाँ पे टाइम शो कर रहा है जिसे आपको एडजस्ट करना होगा। अगर आप इसे एडजस्ट करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको क्या करना होगा, उस बटन को प्रेस करके कुछ देर होल्ड करके रखना होगा। ये मैंने प्रेस किया, होल्ड करके रखा है। आप देखिए ये मिनट वाला जो है वो ब्लिंक कर रहा है। अगर मुझे मिनट चेंज करना है तो मैं इसे बार बार ऐसे ऐसे प्रेस करके जो है इसे चेंज कर सकता हूँ। अगर आप इसे प्रेस करे रहेंगे दोस्तों, तो ये ऐसे जो है बहुत स्पीड से बढ़ेगा, घटेगा नहीं दोस्तों, बढ़ेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है जहां पे आपको पहुंचना है। मान ले कि हमें 55 में पहुंचना है, तो हम जो है 50 पे आगे रुक गए, एंड देन 51 53 54 एंड 55। फिर आपको कुछ भी नहीं दबाना है, आपको ऐसे वेट करना है। तो 55 जो ब्लिंक करना बंद हो गया, बंद होने के बाद अब 11 ब्लिंक कर रहा है। अब मुझे इसे भी एडजस्ट करना है। इसे भी मैं अगर प्रेस करके होल्ड किया रहता हूं, तो ये बहुत स्पीड से बढ़ेगा, घटेगा नहीं दोस्तों। फिर आपको क्या करना है कि अगर मुझे मान ले कि दो छोड़ दीजिए, दो पे आना है, तो मैं क्या करूंगा, दो पे ला करके इसे रोक दूंगा। ये हो गया 256। तो ये है दोस्तों जो हमारा 356 मैंने सेट किया है। ये जो दोस्तों हमारा जो डिजिटल कंसोल है, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन नजर आते हैं। हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसका जो है ब्राइटनेस भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारी गाड़ी की जो पार्किंग लाइट्स हैं उन्हें ऑन करना पड़ेगा। तो अभी मैं पार्किंग लाइट ऑन करता हूँ। ये मैंने पार्किंग लाइट ऑन किया। आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो मीटर एरिया है, इसमें स्पीडोमीटर का जो लाइट्स है वो जल गया। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से इसे दबाएंगे। ये जो बटन है, मैंने एक बार दबाया, देखिए आप यहाँ पे जो है 1 2 3 4 ऐसे गोल से नजर आ रहे हैं। आप क्या कीजिए, इस बटन को फिर से प्रेस करके रखिए, तो ये जो है देखिए रिड्यूस हुआ, फिर इंक्रीज किया, फिर रिड्यूस हुआ, फिर इंक्रीज किया, फिर सॉरी डिक्रीज किया। तो आपको जो भी रिक्वायर्ड लेवल है, आप उसमें जो है इसको सेट कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों मुझे सबसे लोएस्ट लेवल पे सेट करना है, ये मैंने लोएस्ट लेवल पे सेट किया है, और मैं एक बार जो है अपने बटन को दबाऊंगा तो वो हमारा जो है ब्राइटनेस सेट हो गया। आशा है दोस्तों आपको इस वीडियो से मदद मिलेगी, आपको अपनी गाड़ी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने में ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प, इस वीडियो से आपको ज़रूर हेल्प मिली होगी। धन्यवाद।